तो आज की जो क्लासेस है हमारी, आज की क्लासेस जिस पे हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल के ऊपर। तो पिवट टेबल का यूज जो होता है वो होता है ऑफिस के अंदर किसी भी डेटा को समराइज करने के। ओके, अगर हम रिपोर्ट की बात करें, किसी तरह की रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा, राइट। जैसे आपने अगर मंथली रिपोर्ट निकाल लिया, ईयरली रिपोर्ट निकाल लिया, एटलीस्ट होता है वो डेटा की समरी में ही, किसी न किसी एंगल से। समरी के अलावा आप उसमें और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मेन तो समरी ही होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिवट की। तो पिवट का काम होता है किसी भी डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना, एंड रिप्रेजेंट करना। तो यहां हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके करते हैं। एक नई सीट पे आप देखिए, ये आपका आ गया, इसको पिवट एरिया कहते हैं। और यहाँ पे आपके आईडी है। देखिए पिवट को सिलेक्ट करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। पहले कि आपके पास डेटा में हेडिंग होना चाहिए। अगर हेडिंग नहीं है तो पिवट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। दूसरा, आप एक बार डेटा को समझ ले कि डेटा क्या है, क्योंकि इस डेटा को आप एनालाइज करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए था कि डेटा के अंदर की जो चीजें हैं वो है क्या, राइट। तीसरा कि आपको आखिर चाहिए क्या, पिवट टेबल से आपको चाहिए क्या। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है इसमें सेल्स का डेटा है, मैं चाहता हूं कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो यहां पे मैं नेम को उठा के रो में रखूंगा। आप देखेंगे कि मेरे डेटा में नेम जो है कई बार रिपीटेड है, लेकिन यहां आपका सिंगल टाइम आएगा। फिर हम यहां अमाउंट को उठा के हमने क्या कर दिया, वेरिएंट में रख दे। क्वांटिटी रखना है तो क्वांटिटी वाले के वैल्यू में रख दे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम ऑफ द क्वांटिटी आपको शो हो जाएगा। अब नेम को हमने रो में ही क्यों लिखा है? रो में लिखने के पीछे पर्पस ए है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो डेटा है ये आपका रो वाइज है। ठीक है, अगर मैं उठा के इसको ऊपर में रख दिया, तो यहां देखिए कॉलम में चला जाएगा। तो कॉलम वाइज ठीक नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं उठा के इसको रो में रख। राइट क्लिक करके हमने इसको शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए आप कर सकते हैं इसको आराम से। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कॉलम वाइज आ जाता है। अब इस पे सम ही हुआ। अब सम के अलावा यहीं पे बैठ के वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जैसे चीजें आप कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए इस बार मुझे नंबर नंबर जो है अलग चाहिए, मतलब कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अलग तरीके से चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे कि किस सिटी में के किस एरिया में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है।
तो उसके लिए हम पिवट में आते हैं। हमने यहां पे सिटी ले लिया, एरिया को हमने कॉलम में रख दिया और क्वांटिटी को हमने वैल्यू में रखा। अब यहां पे एक चीज है, आगे बढ़ने से पहले यहां देखिए ब्लैंक है। मैं चाहता हूं ब्लैंक ना दिखे, ब्लैंक के जगह जीरो दिख जाए। तो राइट क्लिक कर पिवट टेबल ऑप्शन में गए और यहां दिख रहा होगा आपको फोर एम्बेड टी सेल शो, यहां पे हमने जीरो करके ओके कर दिया। तो यहां पे आपका जीरो विजुअल हो गया। अब इसमें आता है कि यहाँ पे आपको नेम आ गया, सिटी आ गया। अब कॉलम में हमने रखा हमारा, जिसको इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्मेट में एक प्रॉब्लम होती है रिपोर्ट शो करने में, कि अभी आपकी जो हेडिंग है वो थोड़ी है, इसलिए आपने कर लिया। लेकिन हेडिंग ज्यादा होती तो, जैसे कि मान लीजिए मैं डेट है, डेट यहाँ मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। देख रहे हैं ये काफी ज्यादा हो ही रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो लिमिट है, मतलब इसमें एक लिमिट है। आप देखिए ये बहुत ज्यादा हो गया ना सर, दिख रहा है सर? मैन जी, मिलन जी, बहुत ज्यादा कॉलम हो गया ना, यस इसको सर, यस मेंटेन सर। करना प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या ज्यादा हो तो हम नहीं रिपोर्ट में रखे, रख सकते हैं उसको, आप यहाँ रो के नीचे सब हेडिंग में डाल दें। ठीक है, जैसे मैंने एरिया के नीचे सिटी डाला हुआ है, तो यहाँ पे एक एक फायदा और भी है कि इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप एक साथ कर सकते हैं डिजाइन, इसमें डिजाइन, इसमें पिवटेबल लेआउट में कोलैप्स एक्सपैंड, कोलैप्स एक्सपैंड, इस तरह से कर सकते। तो बड़ा रिपोर्ट होगा तो इस तरह से दिखेगा। मान लीजिए मुझे ईस्ट का देखना है, क्लिक करूंगा मुझे ईस्ट की पूरी सिटी दिख जाएगी, कि ईस्ट में कौन कौन सिटी है, सेंट्रल में कौन कौन सिटी है। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि आप जब ऐसा करें तो आपकी जो रिपोर्ट है, जो जिसको आपको भेजना चाहते हैं, वो आपका सेम फॉर्मेट में हो, मतलब कि पिवट फॉर्मेट में हो, पिवट के थ्रू। अगर किसी को आपको पिवट के थ्रू नहीं भेजना है, जैसे मुझे किसी को भेजना तो है बट पिवट के थ्रू नहीं भेजना है, कॉपी करके, बहुत से लोग क्या होते हैं कि कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम उसमें कुछ और कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको कॉपी करके मान लीजिए किसी सेल में मैंने पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, तो अब यहां पता करना मुश्किल है कि कौन सा एरिया है और कौन सा हमारा सिटी है। इस केस में हम दो तीन लेआउट यूज कर सकते हैं। एक राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में डिस्प्ले के अंदर होता है क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, वो ले सकते हैं, या फिर आप डिजाइन में जाके यहां भी आपके सामने टेबलर फॉर्म है उसको आप ले सकते हैं। तो ये अलग अलग कॉलम में हो जाएगा, एक कॉलम में आपका सिटी, दूसरे कॉलम में आपका ए आ जाएगा। ओके सर, सिटी के जगह पे मान लीजिए मैं नेम रख देता हूं, तो नेम भी इस तरह से हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज, एक दो प्रॉब्लम है। सबसे प्रॉब्लम है कि टोटल, मुझे टोटल कॉलम नहीं चाहिए, या फिर नहीं है तो चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहां दिख रहा होगा सब टोटल, दिख रहा है आपको सब टोटल एरिया, जो भी आपका फील्ड इसमें होगा वो आएगा सब टोटल के बाद में, अनक्लिक कीजिए, सारे सब टोटल हट गए। अब इस डेटा को मैं कहीं यूज करना चाहता हूं, लेकिन वहां यूज करने में ब्लैंक प्रॉब्लम करती है। मैं ये चाहता हूं कि यार सेंट्रल सेंट्रल रिपीट हो जाए, ईस्ट ईस्ट रिपीट हो जाए, नॉर्थ पूरा रिपीट हो जाए, तो इसके लिए हम पिवट टेबल के डिजाइन वाले चैप्टर में जाएंगे और यहां आता है रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट ऑल आइटम लेबल। रिपीट ऑल आइटम लेबल करने से क्या हुआ कि ये देखिए रिपीट हो गया। कभी कभी इन दोनों के बीच में मुझे ब्लैंक स्पेस भी चाहिए होता है, तो यहां पर हम करते हैं इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम। ये आपका एक ब्लैंक लाइन, हर एक के बाद आपका ये इंसर्ट हो गया। अब मुझे इसे मान लीजिए हटाना है,
क्या करें? तो इसमें हम वापस रिमूव कर देते हैं, रिपीट नहीं करना है, डू नॉट रिपीट। मुझे यहां रिपीट नहीं करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको मर्ज करना है। तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में यहां हमारे सामने मर्ज का ऑप्शन आता है, मर्ज। ठीक है, अब यहां पे हमने ओके कर दिया। सर एक डाउट था, बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ, सो वो जो सबटोटल हमने अनचेक किया था, किसी रीजन से अगर मुझे लगे कि नहीं सबटोटल मुझे रखना है, तो फिर उसको दोबारा कैसे लाएंगे सबटोटल को? क्या बोल रहे हैं सर, दोबारा बोलेंगे? मैं सुन नहीं पाया सही से। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? ये मैंने बोला हमने सबटोटल को अनचेक किया था तो सबटोटल चला गया, अगर किसी कारण से कुछ देर के बाद मुझे लगे कि नहीं आई वांट टू सी दैट सबटोटल, तो वापस वापस वही सेम उसी तरह से टिक मार दीजिए। ओके ओके ठीक है, और कुछ नहीं नहीं तो इस तरह से आप इसको मर्ज कर सकते हैं, समझ गए? अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल में विकास ने 2112 का सेल किया है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसका इतना सेल कैसे हो गया। अब इसका डेटा में देखना चाहूंगा तो आप जनरली जाके डेटा में फिल्टर करेंगे ना, आप यहां पे डबल क्लिक कर दीजिए, एक अलग सीट पे आपका डेटा आया, चाहे जितना फिल्टर लगाओ जितना कंडीशन, समझे? हमें क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे देव लगाए गए, इसके अंदर देव आ गया, देव के अंदर मैंने कोर्स दे दिया, इसके बगल में कोर्स है, कोर्स के बाद और भी चीज चाहिए, तो मुझे सेंट्रल एरिया के देव के अंदर वीवीए कोर्स चाहिए, राइट? मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहां देखिए सेंट्रल का VVA का कोर्स आ गया देव का। तो इस तरह के आप नॉर्मल करते तो काफी ज्यादा फिल्टर लगाना पड़ता, बट डबल क्लिक कहां पे? जस्ट डबल क्लिक करना आपको सर, मतलब इस पे क्या कहते हैं जो पूरी फाइल बनी है इसके ऊपर बस? नहीं नहीं अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, जो अमाउंट दिख रहा है उस पे करना। ओके ओके, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो फिर देव का टोटल दिखाएगा, सेंट्रल के अंदर देव का ऑटोमेटिक है, ये अपने आप दिखा देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या होती है, डबल क्लिक करने की आदत होती है ना सर? हाँ जी। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में यहाँ आता है डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर में आता है यहाँ पे डिस्प्ले, माफ कीजिएगा डेटा, डेटा के अंदर आता है एनेबल शो डिटेल्स, एनेबल शो डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे एंड जस्ट ओके करेंगे। अब कोई भी पर्सन इस पे डबल क्लिक करेगा तो उसका रिपोर्ट नहीं दिखेगा, समझ गए सर? ओके, मतलब वो इसको लॉक कर देगा एक तरीके से। और पिवट के अंदर डेटा अपडेट करने के लिए रिफ्रेश करना होता है, जैसे मान लीजिए मैं 22 कर दूं, इसको 200 कर दिया मैंने टेबलों को, यहाँ पे देखिए टोटल क्या आपका 38,433 है ना, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है सर? यस सर।
उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग का। देखिए नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो आप यहाँ करते हैं वो फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है वो आपके पिवट का पार्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें रिफ्रेश करते हैं डेटा ऊपर नीचे होता है तो आपकी फॉर्मेटिंग ऊपर नीचे नहीं होगी, समझे। इसलिए डिजाइन में जाइएगा तो यहां बहुत सारे स्टाइल है, ठीक है सर, बहुत सारे स्टाइल है। और इन स्टाइल जो स्टाइल है आपका उस पर आप क्लिक करें और ओपन करें, राइट सर। हाँ जी सर, जो स्टाइल चाहिए। इसमें 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 फर्क क्या होता है कि पिवट का पार्ट हो जाता है, जैसे पिवट रिफ्रेश करेंगे, पिवट जब रिफ्रेश होगा चाहे पिवट जो भी होगा ये अपने आप को ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे कर देगा, राइट सर। जी सर, क्लियर है जी। तो ये डेटा मैं आप लोगों को भेज दूं प्रैक्टिस के लिए, डेटा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेज देता हूं, आप लोग कुछ बनाए पिवट पे और फिर मुझे दीजिए, ठीक है सर। डेटा है आपका, एक तो होगा मिलिंद जी गरिमा, उसके बाद होता है इंफोसिस, आप ही का है ना सर, मैं अंकित जी, आप ही का आईडी है? नहीं नहीं ये सर मेरी नहीं है। आईडी कौन सा आपका? आप सर अंकित डॉट बॉन्टियाल सेकंड वाली, हाँ ये। तो आप जो है कम से कम 10 से 15 पिवट बनाएं मेरे इस डेटा पे और बना के मुझे भेजिए सर, ठीक है सर। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप लेट हो रहे हो ना तो मेरे को जस्ट टेक्स्ट कर, मैं ना ईएसटी जोन पे काम करता हूँ, ठीक है जी, तो समझ गया। मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए क्या होता है कि नहीं आप मेरे को कोई वो नहीं है, बट आप थोड़ा सा, नहीं बस नहीं नहीं हाँ मैं थोड़ा ईएसटी में रहता हूँ और मेरे को यहाँ पर ऑफशोर में प्लस ऑनसाइट दोनों की टीम देखनी है, ठीक है। मेरे का टाइम, अच्छा एक चीज और आप लोगों से बोलना चाहते थे, ये आपका अंकित जी बोल रहे हैं क्लास को आधा घंटा डिले करने के लिए, तो क्या आप सभी लोग सहमत है? मेरे को कोई इशू नहीं है, फिक्स टाइम 12:30 जी आपको, ठीक है अगर सब लोगों को कन्वीनियंट है तो मुझे भी कोई इश्यू नहीं। गरिमा जी आपको? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, करेंगे कल से हम जो है 12:30 पे लॉगिन करेंगे, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है। अंकित जी कोई दिक्कत नहीं है? आप नहीं सर, हाँ सर पहले से ठीक है सर, ओके, मिलते हैं कल 12:30, ठीक है सर, थैंक यू सर।